कि हर शिक्षा हर परीक्षा को ईश्वर का प्रसाद मानकर ग्रहण किया और आज ये राधे सगर्व आपका श्राप भी स्वीकार करता है, किंतु इतना निवेदन अवश्य करूंगा कि मेरा सूत पुत्र होना मेरे अधिकार में नहीं था। इतना अवश्य कहूंगा कि आपने मुझे उस भूल के लिए श्राप दिया जिस पर मेरा कोई वश नहीं था। गुरुदेव, तुम्हारा तुम्हारे जन पर वश नहीं था मैं जानता हूं, परंतु तुम्हारा वश कर्म पे तो था और तुम्हें श्राप तुम्हारे असत्य बोलने के कर्म के कारण मिला है। नहीं गुरुदेव, एक सूत पुत्र को श्राप मिला क्योंकि उसका जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ, क्योंकि एक सूत होने के पश्चात भी उसने सम्मान से जीवन जीना चाहा, अपना अस्तित्व बनाना चाहा, इसलिए एक सूत पुत्र को श्राप मिला। अपने गुरु से सत्य ना बोलने की भूल तुमसे हुई है कर्ण, और एक गुरु ने अपने शिष्य का सत्य जाने बिना उसे श्राप दे दिया, ये भूल परशुराम कर बैठा। मेरे द्वारा दिए गए श्राप को मैं वापस तो नहीं ले सकता हूं कर्ण, परंतु उसके प्रभाव को कम करने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। आज से तुम्हारे बाणों में ऐसा तेज होगा जो तुम्हें मेरे अन्य शिष्यों से भिन्न करेगा। ये मेरा सबसे शक्तिशाली दिव्यास्त्र है, परंतु ब्रह्मास्त्र से अधिक नहीं। गुरु दक्षिणा मांगिए गुरुदेव। गुरु दक्षिणा क्या मांगू मैं तुमसे कर्ण, सब कुछ तो मैंने तुमसे ले लिया है, अब तो कुछ तुम्हें देना चाहता हूं। ये मेरा दिव्य धनुष है विजय, जब तक ये धनुष
तुम्हारे हाथों में रहेगा। संसार का कोई भी योद्धा तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा कर्ण। जाओ पुत्र, जाओ, इस अभिशापित जीवन को स्वीकार करो। जन्म की पीड़ा और शाप का ताप सहकर भी तुम संसार के आकाश में सूर्य के भांति चमको। माता की मार संसार का सबसे बड़ा प्यार होता है, और गुरु का श्राप भी महादेव के प्रसाद से कम नहीं। आपका ये श्राप, ये राधे कर्ण अमृत समझकर स्वीकार करेगा। इतिहास कर्ण का नाम स्वयं में कैसे समाहित करेगा मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात का वचन देता हूं कि आपको आपके इस शिष्य पर सदैव गर्व होगा। आज से मेरा नया जीवन प्रारंभ होता है। दिव्यास्त्रधारी कर और मैं अभिशापित सूत पुत्र भी, मैं जिसे जीवन का अधिकार नहीं मिला, और मैं जो इस अधिकार के लिए अपनी अंतिम श्वास तक लड़ूंगा, मैं राधेय कर्ण।